संतति, एक शाश्वत यात्रा परिवार की ओर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम संतति। दोस्तों, नारी के जीवन में गर्भधारण एक बहुत ही प्राकृतिक और सुगत एहसास है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार रहता है। हर पल उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि जल्द ही उसके अपने आंगन में उसके अपने बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लेकिन कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी के कारण स्त्री को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ है जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आप पिछले 14 वर्षों से जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही पिछले 3 वर्षों से लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में गायनेकोलॉजी के ऑपरेशंस, डिलीवरी और हाई लेवल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट कर रही हैं। आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की कमिटी चेयरपर्सन हैं। आप इनफर्टिलिटी कमिटी ऑफ मुंबई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं। साथ ही इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी हैं। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई इज वन ऑफ द फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट्स इन द कंट्री टू हैव बॉट एंड स्टार्टेड वर्क ऑन द न्यू यूट्रिन बलून थेरेपी थर्मा चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शनल ब्लीडिंग। डॉक्टर पाई, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, ये बताइए कि मिस्ड अबॉर्शन आखिर क्या है? मिस्ड अबॉर्शन ऐसी सिचुएशन है जब पेशेंट को जो बच्चा है अंदर बढ़ता ही नहीं है। पहले समझो 6 या 7 हफ्ते तक ग्रोथ नॉर्मल होती है और उसके बाद जब भी हम चेक करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं तो बच्चे का धड़कन जो है वो बंद हो चुका है, मतलब बच्चा अंदर ही खराब हो चुका है या गुजर चुका है। तो इस केसेस में कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी थोड़ी डार्क ब्राउन रेड ब्लीडिंग होती है, या कभी कभी पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता, उसको लगता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जब भी चेकअप करने को जाते हैं तो अंदर बच्चा गुजर चुका है। सो दैट इज अ मिस्ड अबॉर्शन। जैसे आपने बताया कि मिस्ड अबॉर्शन यानी बच्चा अंदर गुजर गया है, उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है, उसका दिल धड़कना बंद हो गया है, तो ये जो होता है इसके कारण क्या है, क्या कॉजेस हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंट में कोई खराबी हो गई है या जब भी एग और स्पर्म मिले हैं उसमें कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो गया है, तो दैट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। मगर दूसरे भी कोई कोई कारण होते हैं, जैसे कि हार्मोन का प्रॉब्लम है, हार्मोन की कमी है औरत में, या कुछ एबनॉर्मैलिटी है, या फिर उसको कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम। तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट हो सकती है जो औरत ले सकती है? एक्चुअली अगर वही समय पे डायग्नोज हुआ है, ऑलरेडी बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी है, तो वो समय तो कुछ कर नहीं सकते हैं, खाली या तो हमें क्लीन आउट करना पड़ता है, क्यूरेटिंग करनी पड़ती है। मगर डेफिनेटली प्रेगनेंसी के बाद उसका पूरी जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए कि कारण क्या हो सकता है इसका, और पहले से ही ऐसी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए कि अगले टाइम उसको ऐसा रिपीट एपिसोड ना हो मिस्ड अबॉर्शन का। अच्छा, तो अब मुझे डॉक्टर बताइए कि रिपीटेड मिसकैरेजेस जो अक्सर पाए जाते हैं आजकल काफ़ी कॉमन है, तो इसकी क्या वजह है? सी, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम। अगर जिस औरत को 2 या 3 टाइम मिसकैरेज हो चुकी है, उसको प्रेगनेंसी 3-4 महीने के आगे जाती नहीं है, तो वो औरत को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही अपसेट रहती है वो पेशेंट। सो इसके भी काफ़ी हमको डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, तो ही कभी कभी कारण मिलता है। अगेन, सबसे कॉमन कारण है कि या तो हस्बैंड के अंदर या औरत के अंदर, वाइफ के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि बच्चे के अंदर चला जाता है, तो वो में हस्बैंड वाइफ को सेपरेटली जेनेटिक टेस्ट उनका करना पड़ता है। कभी कभी जो प्रेगनेंसी या मिसकैरेज होती है उसमें से भी हम एक पीस निकाल के चेकअप करते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट था क्या, जेनेटिक क्यों हो रहा है। या अनदर कॉमन कॉजेस के जो गर्भाशय है या वूम है, यूट्रस है, उसके अंदर ही कोई डिफेक्ट होता है। बहुत सी औरतों को जन्म से यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पर्दा है यूट्रस के अंदर, या 2-2 यूट्रस हैं एक की जगह, या डेवलपमेंट कम हुआ है यूट्रस का, तो ये सब केसेस में हम बहुत से टाइम देखते हैं मिसकैरेजेस होती हैं। और इनमें से काफ़ी जो केसेस हैं वो ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्दा है या सेप्टम जो हम लोग बोलते हैं, वो आराम से हम लोग गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के जो सेप्टम है उसको कट कर सकते हैं। तो बिटवीन प्रेगनेंसी, ऑफकोर्स प्रेगनेंसी के टाइम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर एक टाइम समझो मिसकैरेज हो चुकी है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी पहले के पहले हम लोग ये सब पूरा जो है यूट्रस अंदर से चेक करके हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसको पूरा क्लियर कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन करना है क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट अगर प्रेगनेंसी प्लान करेगी तो ये नहीं होगा।
कभी कभी ऑफ कोर्स अगर पेशेंट बहुत बीमार पड़ जाती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाती है वो भी एक कारण हो सकता है. और एक और अनयूजुअल प्रॉब्लम है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब पेशेंट खुद ही उसकी बॉडी खुद ही वो बच्चे को रिजेक्ट कर देती है, उसको बच्चा लगता है कि ये फॉरेन है. मतलब जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी रिजेक्ट हो जाती है, सेम तरीके से मदर की जो बॉडी है बच्चे को रिजेक्ट कर देती है. तो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल भी हम लोग प्रॉब्लम्स पाते हैं, उनके लिए भी ब्लड टेस्ट हैं जिससे हमें डायग्नोसिस मिलता है और इसकी भी हम लोग ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो अगर पेशेंट ज़रा ध्यान दे, अच्छे से चेकअप करवा ले, बराबर ट्रीटमेंट करे तो बहुत से जो केसेस हैं ये सॉल्व हो सकते हैं. तो ये जो ट्रोमा रिपीटेड मिसकैरेजेस का है ये हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि रिपीटेड मिसकैरेजेस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी बकायदा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई और नेचुरल ट्रीटमेंट भी है? सी बेसिकली एक ही ऐसी मेडिसिन है जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मिसकैरेजेस रेट रिड्यूस होते हैं, वो है फोलिक एसिड. तो ऑलवेज हम एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले से ही फोलिक एसिड पेशेंट को लेना चाहिए, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. तो बेसिकली एक चीज़ है कि अगर पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, पूरा चेकअप कर लेती है, सारी चीज़ें जैसे कि थायराइड का चेक है, शुगर टेस्टिंग है, ये सब कारणों की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकती हैं. तो काफ़ी चीज़ें हम प्रेगनेंसी के पहले अगर करेक्ट कर लें तो ये सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी. मगर हमारी कंट्री में बहुत से टाइम पेशेंट्स प्रेगनेंसी के पहले चेकअप्स के लिए जाते ही नहीं है, एकदम प्रेग्नेंट हो जाते हैं देन दे कम टू द डॉक्टर. तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है. डेफिनेटली प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग काउंसलिंग अगर किया जाए तो काफ़ी ये प्रॉब्लम्स जो है हम लोग पहले से ही मैनेज कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? इज इट रियली डेंजरस? क्या काफ़ी खतरनाक है? अगेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ कॉमन प्रॉब्लम, मतलब कि 100 में से 3 या 4 औरतों को ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक जाती है. नॉर्मली जो है अंडा जो है ट्यूब से निकल के यूट्रस तक पहुंच जाता है, मगर कभी कभी किसी कारण से अगर ट्यूब में खराबी हो या नली में डैमेज हो तो प्रेगनेंसी जो है ट्यूब के अंदर या नली के अंदर ही बढ़नी शुरू हो जाती है. तो क्या ये एक टाइप की ट्रीटमेंट है जो आप औरतों को देते हैं जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही? नहीं 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 नहीं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम वेयर बाय द प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर अटक जाती है और अपने आप से उसके अंदर ट्यूब के अंदर ग्रो होनी शुरू हो जाती है. और ये तो एक बहुत डेंजरस चीज़ है क्योंकि नली जो है एकदम डेलिकेट एकदम बारीक होती है. तो समझो 5 हफ्ता 6 हफ्ता प्रेगनेंसी वो सपोर्ट कर सकती है, मगर उसके बाद जो नली है वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है. और विद इन 1/2 आवर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो केसेस हैं, समझो 1.5 महीना 2 महीना प्रेगनेंसी तक किसी हालत से चल जाते हैं, 1.5-2 महीने में वो ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो जाती है और विद इन 1/2 आवर पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो सकती है, उसकी इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है. इतनी डेंजरस कंडीशन है क्योंकि पेट के अंदर 1-2 लीटर खून जमा हो जाता है विद इन 15 मिनट्स. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत डेंजरस कंडीशन है क्योंकि पेशेंट को मालूम ही नहीं रहता, उसको लगता है प्रेगनेंट है, यूरिन टेस्ट किया पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी है और पेशेंट खुश है, ये उसको मालूम नहीं पड़ा कि प्रेगनेंसी ट्यूब में अटक गई है और उसकी जान खतरे में है उसके कारण से. सो दैट इज वाई जैसा ही प्रेगनेंसी होती है, जैसा ही पीरियड मिस होता है, पेशेंट को ये तो चेकअप करवा लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस के अंदर है, ट्यूब में नहीं अटक गई है. सो ऑलवेज व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस, पहली चीज़ हम लोग ये चेक करते हैं कि ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है. और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाती है तो उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी वो डेंजरस हो सकता है. तो अगर पेशेंट जल्दी आ जाती है, जैसे कि ट्यूब बर्स्ट नहीं हुई है अभी तक, तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट से इंजेक्शन से भी उसको अपने आप से जो प्रेगनेंसी है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, मगर वो प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं रह सकती, मगर उसको हम कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बर्स्ट नहीं हो जाए. तो मगर सिचुएशन को डिले करें तो प्रॉब्लम आ सकती है. हाँ एब्सोल्युटली, अर्ली ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, मगर अगर पेशेंट ही लेट आती है, मतलब पीरियड मिस होने के समझो 2-3 हफ्ते के बाद आती है, तो काफ़ी प्रेगनेंसी बड़ी हो चुकी है वो समय पर, देन वी हैव टू डू अ सर्जिकल ट्रीटमेंट. मतलब पेट में दूरबीन डाल के जो ट्यूब है, या तो पूरी ट्यूब निकालनी पड़ती है, मतलब परमानेंट पेशेंट की जो ट्यूब है एक निकल जाएगी, या तो वैसा करना पड़ता है या कभी कभी ट्यूब के ऊपर कट करके खाली जो प्रेगनेंसी है वो निकाल सकते हैं. अगर थोड़ी लेट स्टेज में मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा इफेक्ट नहीं होता, सर्जरी करनी पड़ती है. सो इट्स जस्ट दैट पेशेंट शुड बी अवेयर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक ज़माना था जब ये पेशेंट खाली 7वें महीने में नाम डालने को जाते थे, उसके पहले डॉक्टर को मिलते ही नहीं थे. सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. जैसे ही प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को इमीजिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. कंफर्म करना चाहिए कि एटलीस्ट प्रेगनेंसी की शुरुआत जो है नॉर्मल हुई है. डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि अर्ली प्रेगनेंसी ज़रूर एक अपने आप में प्रॉब्लम है क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है,
तो उसे अवॉइड करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए कोई सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, जो पहले 3 महीने हैं, सबसे ज़रूरी हैं. तो पेशेंट को रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, कुछ हैवी वज़न वगैरह ऐसा नहीं उठाना चाहिए, जो वाइटमिन है, फोलिक एसिड है, बराबर लेना चाहिए. कोई भी दवाइयाँ ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है. बाहर खाना नहीं चाहिए ताकि कुछ इन्फेक्शन, जॉन्डिस, टाइफाइड ऐसा नहीं हो जाए, बाहर का पानी पिया ऐसा कुछ हो गया. सो वो सब ध्यान लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए पेशेंट को. तो आखिर में डॉक्टर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कुछ ट्रॉमा से गुजरती हैं, कुछ उनको चिंता होती है, तो क्या एडवाइस देंगे? नो, डेफिनेटली आई थिंक मेरी मेन एडवाइस यही रहेगी सबको कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप डॉक्टर के पास जाइए. जब भी आपका मन में है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, पहले डॉक्टर के पास जाइए, रूटीन अपने टेस्ट करवा लीजिए. सिंपल ब्लड टेस्ट के ऊपर ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, थायराइड, ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स की जानकारी मिल जाएगी. चेकअप के ऊपर, सोनोग्राफी के ऊपर बहुत से प्रॉब्लम जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, सेप्टम है यूट्रस में, ऐसी सब बीमारियाँ जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले, वो सब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उनके करवा लीजिए. क्योंकि एक टाइम प्रेगनेंसी रुक जाएगी, फिर हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते उसको इम्प्रूव करने के लिए. सो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, प्लानिंग, ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखा आपने दोस्तों कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके साथ उससे भी ज़्यादा उसके सोल्यूशंस हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर पाई फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. तो दोस्तों, अगले एपिसोड्स में हम इनफर्टिलिटी से ही संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे. आप देखते रहें संतिति. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन.